कि उज्जैन में ही ये परंपरा आयोजित की जाती है। रंगों का भी प्रतीक ही है, इसलिए ये सुपर क्लीन है, ये बच्चे दुल्हा दुल्हन बने हैं, गणगौर इसका गोरा के रूप में बनकर आए हैं। ये गण और गौर का जो मिलन गणगौर शब्द का, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे न कोई दबा सकता है न झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार, मैं नीलेश मालवीय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हम उज्जैन के गुदरी चौराहे पर मौजूद है और यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया है, जहाँ पर एक लड़का लड़की दोनों ही वर वधु के रूप में निकले हैं। बैंड बाजों के साथ काफी महिलाएं पुरुष यहाँ पर मौजूद है और सैकड़ों की संख्या में है। ये क्या आयोजन होता है गणगौर के बाद, आइए जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप किसी लग रहा है, ये बच्ची है थोड़ी छोटी सी और एक और बच्ची है जो कि दोनों ही वर वधु बने हुए हैं। कारण क्या होता है ये कि उज्जैन में ही ये परंपरा आयोजित की जाती है, आइए जानते हैं। बेटे आप क्या बने, क्यों बने हैं? फूल पाती निकली थी इसलिए आज ये वर वधु बने हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे क्यों बनाई जाती है यहाँ पर ये गण और गौर का जो मिलन गणगौर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, वर और वधु और होलास्टिक के बाद से शिमला सप्तमी के होलास्टिक के बाद से हर शुभ कार्य की शुरुआत जो होती है वो आज से शुभ कार्य के प्रतीक के रूप में वर और वधु दो ही लड़कियां उसमें होती है, एक वर बनती है एक वधु बनती है और यही से गणगौर पर्व के पावन पर्व की शुरुआत होती है। गणगौर पर्व की शुरुआत ऐसे ही होती है कि उज्जैन जो कि धार्मिक सिटी मानी जाती है, यहाँ से धार्मिक पंचांग जो कि आयोजित होता है पूरे विश्व का, और जानते हैं इस पर्व के बारे में आज से क्या शुभ कार्य शुरू होते हैं। भाई साहब आप बताएं दीदी, आज किस प्रकार के आयोजन किए गए हैं और क्या शुभ कार्य यहाँ से शुरू होते हैं? गणगौर का भी प्रतीक ही है, इसलिए ये सुपर क्लीन है, ये बच्चे दुल्हा दुल्हन बने हैं, गणगौर इसरा गोरा के रूप में बनकर आए हैं। इसरा गोरा मतलब? इसरा गोरा गणगौर पार्वती जी का रूप पता है, शिव पार्वती जी बोलो पूजा की जाती है। ये आज शिव पार्वती का रूप माना जाता है जो कि आज शीतला सप्तमी के बाद से आज उज्जैन में शुरू होता है। यहाँ आपको बता दें कि उज्जैन में पूरा पंचांग पूरे विश्व का यहाँ से ही निकलता है, और जानते हैं इस पर्व के बारे में। भाई साहब आप बदल जाएंगे दीदी, बेटा आप क्या बने हैं? भरत से भरत आप क्या बने हैं? गोरा जी बने हैं आप, आपका शुभ नाम क्या है? तो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर गोरा पार्वती और शिव पार्वती के रूप में बनाए गए हैं। किस समाज की ओर से निकाली गई है ये? इस प्रकार का आयोजन क्या उज्जैन में ही होता है क्या? कितनी महिलाएं आई और आज किस प्रकार का निकाली गई है? किस प्रकार का आयोजन क्या, कहाँ से निकाली गई है, कितने महिलाएं आई है? रास्ते में हमने देखा काफी नाच गाना और सब हो रहा था, बहुत ही हर्षोल्लास था सभी महिलाओं में और बहुत ही बच्चे और सभी महिलाएं खूब हर्षोल्लास से नाचते गाते आए हैं और भक्ति के भाव भजन करते हुए आए। आपका शुभ नाम? हर्षिता साधन। आज किस प्रकार का आयोजन उज्जैन में किया गया है? आज उज्जैन में संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में विशेषकर निमाड़ और मालवा का मुख्य पर्व गणगौर जो होली के बाद सप्तमी के दिन निकाला जाता है, और मालवीय रजक जन कल्याण सेवा समिति उज्जैन पंच महिला मंडल द्वारा यह आयोजन विगत 45 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जिसमें समाज की महिलाएं मातृशक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष शिला सप्तमी पर शाम 5 बजे खीर सागर मैदान से प्रारंभ होता है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ श्री सत्यनारायण
समाप्त होता है, यहाँ पर समाज की महिलाओं का भोजन प्रसादी का आयोजन रखा जाता है। यह कार्यक्रम इस बार नवनियुक्त महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती हर्षजा राजे सातोदिया के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। आपका शुभ नाम? मैं हितेश मालवी, सचिव मालवी रजक जन कल्याण सेवा समिति उज्जैन पंच। आप देख रहे हैं ये खबरदार न्यूज के लिए नीलेश मालवीय की रिपोर्ट।